सो लास्ट क्लास तक हमने डिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, सेंट्रल राइट फ्रिंज की विड्थ तक करा दिया था. लास्ट टॉपिक था विड्थ ऑफ सेंट्रल राइट फ्रिंज. तो सेंट्रल राइट फ्रिंज की विड्थ, एंगुलर विड्थ जो हमने कैलकुलेट की थी, एंगुलर विड्थ थी 2λ/a और लीनियर विड्थ जो हमने कैलकुलेट की थी वो लीनियर विड्थ थी 2λ/a इंटू डी. जरा चेक करो इतना ही हुआ था. अरे बता दो इतना हो गया था. एक क्वेश्चन लिखिए. कैलकुलेट एंगुलर एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. आपको गिवन है कि जो स्लिट विड्थ है दैट इज 2mm, कैपिटल डी 2 मीटर दिया हुआ है एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज से 1000 एंगस्ट्रॉम. जरा कैलकुलेट करके बताना मुझे कितना आ रहा है. देखो फॉर्मूला बेस्ड है. करिए जरा इसे कैलकुलेट करिए, बताइए क्या वैल्यू है. Answers. मैं ये तो फॉर्मूला भेज दिया यार, इसको तो जल्दी से कर दो. चलो भाई जिशान का आया, नायला का कुछ आंसर आया. जिशान यूनिट कन्वर्जन किया है ना. शाहीन का भी आ रहा है. अरमान ओके, यूनिट कन्वर्जन मत भूल जाना. ए गिवन है 2mm, मतलब 2 × 10⁻³⁻³ मीटर. चलो देखते हैं. 2 मीटर लैम्डा इज 1000 × 10⁻¹⁰ विच इज 10⁻⁷ मीटर. ये लैम्डा है. सो यहां सबसे पहले जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है एंगुलर एंड लीनियर विड्थ. एंगुलर जो विड्थ होगी इट्स लैम्डा ओवर ए, सो इट्स 10⁻⁷ बाय 2 × 10⁻³, सो इट्स 1/2 × 10⁻⁴. तो ये कितना आ गया. अच्छा एक 2 भी तो होगा. 2 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. 10⁻⁴ रेडियन.
लीनियर विड्थ अगर चाहिए, लीनियर विड्थ होता है 2λ/a (D). दैट मीन्स एंगुलर विड्थ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी. अगर मैं वैल्यू रख दू 2λ/(10⁻⁷), a(2×10⁻³), D(2). It gets cancelled out. So it's 2×10⁻⁴. निशान देखो तो अब सही है तुम्हारा भाई, क्लियर हुआ ये सबका, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है. अच्छा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में याद है आपको क्या था, फ्रिज विड्थ कितनी होती थी? नेक्स्ट न्यूमेरिकल को यंग्स डबल स्लिट से कनेक्ट करेंगे लैम्डा डी बाई. जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था तो फ्रिज विड्थ थी लैम्डा डी बाई. इतना लिख लो तो बताओ मुझे. एक लास्ट मेरिकल करते हैं फिर कुछ थ्योरेटिकल चीज है. चलो वेरी गुड, सबने लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 500 nanometer is incident normally on a slit single slit of width 0.2 mm to produce a diffraction pattern. Find angular width of central maximum obtained on screen. Estimate the number of fringes in Young's double slit experiment with fringe width 0.5 mm which can be accommodated within region total angular spread of central maximum. एक सेकेंड निशान. Central maximum due to single slit 0.5 mm, 0.5 millimeter. करिए.
करिए सॉल्व करिए, आंसर बताइए। ठीक है शाइन, इतना तो ठीक आ रहा है शाइन। मेन ना ये वाला है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकाल दो। YDSC's Young's Double Slit Experiment। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चीज करेक्ट कर लेना, स्लिट नहीं सॉल्व होगा, नहीं स्लिट सेपरेशन, ये स्मॉल डी दिया हुआ, कैपिटल डी नहीं दिया नायला, ये स्मॉल डी दिया हुआ। कैपिटल डी नहीं दिया, अगर आप ढंग से सोचेंगी तो कैपिटल डी की जरूरत नहीं है। एंगुलर विद जीशान सही है, बस 10 की पावर में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है। और किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा? हाँ हबीब का सही है, रेहान तुम भी गड़बड़ मार रहे हो। अरे बाकी लोगों को क्या हो गया? शाहीन, हुमा, आयशा, अरमान, आमना, तूबा का सही है आंसर, शिबा का सही है, आमना तुम सॉल्व नहीं कर रही हो। अरे वायन नहीं, अच्छा ठीक है आमना कोई बात नहीं, सुनती रहिए। बताओ जीशान, एमएम है, एमएम है ना, एमएम इज 10^-3, नैनोमीटर होता है -9, माइक्रोमीटर होता है -6, ये मिलीमीटर है। तो देखिए सुनिए, चलिए मैं क्वेश्चन समझा दूं पहले आपको ना, पहले तो एंगुलर विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, पहला पार्ट तो इजी है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ है आपकी 2λ/a, सो इट्स 2λ इज 500 × 10^-9 डिवाइडेड बाय a, वेयर a इज 0.2 mm, सो इट्स 0.2 × 10^-3. So, ये आ जाएगा, इट्स 500 × 10^-9 डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकता हूं ना 2 × 10^-4, और ये 2 था तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 × 10^-3 रेडियन। ये एंगुलर विड्थ आ गई सेंट्रल मैक्सिमा के डिफ्रैक्शन। अब इसके बाद आप लीनियर विड्थ कैलकुलेट कर लो, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना, डिफ्रैक्शन का जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है
उसकी लीनियर विद हम ऐसे लिखा करते थे, टू लैम्डा बाय ए इंटू डी। तो टू लैम्डा बाय ए तो देखो आप कैलकुलेट कर चुके हो, फाइव इंटू टेन रेस पर माइनस थ्री आ गया, तो ये आ गया आपका फाइव इंटू टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री इंटू कैपिटल डी। नहीं दिया तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको ऐसे समझो, अब वो कह रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के फ्रिंजेस की बात कर रहा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ होता था लैम्डा डी बाई डी, यही था ना लैम्डा डी बाई डी था। तो लैम्डा कितना है, लैम्डा है 500 नैनोमीटर, स्मॉल डी दिया है 0.5 mm, वेवलेंथ तो वही है लाइट 500 नैनोमीटर, तो 500 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस नाइन। स्मॉल डी जो आपको दिया है 0.5 mm दिया है। कैपिटल डी दिया नहीं, तो अगर ये सब सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फ्रिंज विड्थ आ गई 500 इंटू 10 रेस पर माइनस 9 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी विच इज 0.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3। ये है विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम और ये विद है एक फ्रिंज की यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको चाहिए नंबर ऑफ, अब देखो इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। वो आपसे कह रहा है ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया डिफ्रैक्शन में, ये डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा कह रहा है, इसके अंदर इंटरफेरेंस के कितने मैक्सिमा आ सकते हैं बता दो, कितने आ जाएंगे ये कैलकुलेट करो। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि मान लो n मैक्सिमा आ रहे हैं इंटरफेरेंस के, सो मैं ऐसे लिखता हूं लेट n मैक्सिमा ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मींस इंटरफेरेंस आर कंटेन्ड इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इसका मैक्सिमम है, और ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, अरे ऐसा है कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन मान लो इतना था, यंग डबल स्लिट के इतने, मैं कह रहा हूं यंग्स डबल स्लिट के कितने फ्रिंजेस डिफ्रैक्शन के सेंट्रल राइट फ्रिंज में एडजस्ट हो सकते हैं, तो मैंने कहा मान लो एन एडजस्ट हो सकते, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दू n into fringe width of Young's double slit experiment or interference is equal to width of central maximum. भाई बताइए clear? ये स्टेटमेंट समझ में आया सबके? चलो वेरी गुड। सो n इंटू फ्रिंज विद ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कितना है, ये रहा, इसको लिख देते हैं n इंटू 500 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 इंटू डी divided by small d which is 0.5 into 10 raised to minus 3. is equal to central maxima ki width dekho yahan nikali thi humne 5 kaha gaya ye 5 into 10 raised to minus 3 5 into 10 raised to the power minus 3 d se dekhiye d cancel ho jayega n देख लेते हैं 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 इंटू इसे यहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3
डिवाइडेड बाय 5 इनटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7, मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 7 आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 हो गया, तो ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डिफ्रैक्शन के सेंट्रल मैक्सिमा में इंटरफेरेंस के 5 फ्रिंज आ जाएंगे, मैं 5 ड्रॉ ही कर दूं तो 5 आ गए, 1, 2, 3, 4 और ये 5 आ गए। बताओ भाई क्लियर है ये? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिख डालो इतना लिख डालो। सो ये पहली स्लाइड से कर रहा हूं मैं, इसे लिख लीजिए। भाई इतना हो जाए तो बताइए, सर अब करते हैं फिर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए इसे लिख लीजिए। लिखा है ना, लिखिए लिखिए निशान। जीशान आप लिख लें तो बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे।
वजीशान चलिए लीजिए। चलिए नेक्स्ट है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। इंटरफेरेंस अगर आपको थोड़ा सा याद हो, इंटरफेरेंस में जब मैंने एक कर्व ड्रॉ करा था आखिरी क्लास में, तो सबकी इंटेंसिटी सेम थी, सारे मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती थी इंटरफेरेंस में, सबकी इंटेंसिटी 4i 4i आई थी। लेकिन जब आप डिफ्रैक्शन में आओगे तो सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम नहीं होती, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जैसे ही आप फर्स्ट मैक्सिमा पर आएंगे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, सेकेंड मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम होगी, तो डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती। सो अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूं, अच्छा इसको प्लॉट करने से पहले जरा बताना कुछ चीजें मुझे, पार्ट डिफरेंस क्या था मिनिमा के लिए? याद है किसी को डिफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना आता था? किसी को याद नहीं है? बहुत बढ़िया, एन लैम्डा। पार्ट डिफरेंस कितना था? एन लैम्डा, फेज डिफरेंस नहीं, पार्ट डिफरेंस था एन लैम्डा। अगर मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट मिनिमा कहां होगा, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए एन इक्वल टू वन रख दो, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा। सेकेंड मिनिमा एन इक्वल टू टू रख दो, पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? टू लैम्डा। थर्ड मिनिमा एन इक्वल टू थ्री रख दो, पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? थ्री लैम्डा। एन की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, पार्ट डिफरेंस चेंज होता चला जाएगा। इसी तरह से मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस याद होना चाहिए आपको। मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस था 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। अगर मैं कह रहा हूं फर्स्ट मैक्सिमा n 1 है, पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। सेकेंड मैक्सिमा n 2 है, पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 रख दो, 2 इंटू 4 प्लस 1, 5 लैम्डा बाय 2। अगर आप इंटेंसिटी लोगे, अब ये फॉर्मूला आपके पास है नहीं कि इंटेंसिटी कैसे डिराइव करते हैं, बस लिख रहा हूं आपको याद रखना होगा। फर्स्ट मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी है, और इसको मैं कहता हूं इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसे मैं आय ले रहा हूं। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट मिनिमा, मिनिमा की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो लेके चलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा
देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ये फर्स्ट मिनिमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा आएगा। इसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट 1/21 टाइम्स हो जाती है सेंट्रल मैक्सिमा। इंटेंसिटी ऑफ, देखो सारे मिनिमा की इंटेंसिटी जीरो होगी, तो मैं नहीं लिख रहा कि सेकेंड मिनिमा की क्या होगी, मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड मैक्सिमा कितनी होगी, 1/61 आए। इंटेंसिटी ऑफ थर्ड मैक्सिमा कितनी होगी, 1/121। ऐसे इंटेंसिटी वेरी करती चली जाएगी। तो अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये ऐसे जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, फर्स्ट मिनिमा इंटेंसिटी जीरो, फर्स्ट मैक्सिमा कुछ इंटेंसिटी, सेकेंड मिनिमा इंटेंसिटी जीरो, फिर कुछ इंटेंसिटी होगी, गिरती चली जाएगी, ऐसी लेफ्ट में हो जाएगा। फर्स्ट मैक्सिमा इंटेंसिटी कम हो गई, मिनिमा की इंटेंसिटी, यहां मिनिमा है जीरो, फिर इंटेंसिटी और कम हो गई और कम होती चली। तो ये इंटेंसिटी है और ये पार्ट डिफरेंस है, और एक्स एक्सिस पर हमने पार्ट डिफरेंस ले लिया। इंटेंसिटी पहले आई थी, फिर आई बाय 21 हुई, फिर आई बाय 61 हो जाएगी, अब कम होती चली जाए। ऐसी ही ये 21 हुई, ये 61 हो। पार्ट डिफरेंस मिनिमा के लिए लैम्डा था, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लिखा था 3λ/2, सेकेंड मिनिमा के लिए 2λ, सेकेंड मैक्सिमा के लिए 5λ/2। ऐसी ही है, -λ -3λ/2 -2λ -5λ। ये इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस का। चलिए लिखना शुरू कीजिए, उसमें कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। तो याद रखिएगा, इंटरफेरेंस में तो इंटेंसिटी सेम थी, डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी गिरती है, कम होती। कुछ डाउट्स हैं इसमें तो बताइए मुझे। नहीं फायदा, ये 21 वाला रिलेशन ना मैंने लिखा है ना आपके सिलेबस में, ये तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना आपको याद रखना होगा। इसके लिए कोई रिलेशन मैंने लिखा नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं, बस आपको नंबर्स याद रखना। चलिए गुड, इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब बस कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और डिस्कस करना है इसमें।
लिखा आप लोगों ने, आओ मैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, ये भी कभी कभी कंसेप्शन में आ जाता है। देखिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो था इसकी विड्थ थी 2 लैम्डा बाय ए। सो देखो इसकी विड्थ is inversely proportional to slit width. A is slit width. ये याद रखने वाली चीज है, जितनी नैरो स्लिट होगी सेंट्रल मैक्सिमा उतना ज्यादा वाइड होगा। इसे याद रखिएगा, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं कि जितनी नैरो स्लिट होगी ए जितना कम होगा विड्थ उतनी ज्यादा है। इतना लिख लीजिए, चलो नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंसेस देखिए, दिस इज इंटरफेरेंस, एंड दिस इज डिफ्रैक्शन। सो देखो इंटरफेरेंस हमने जब स्टडी किया था, इंटरफेरेंस क्यों होता है, इट्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट्स। दो कोरेंट सोर्सेस ली थी, वहां से वेव फ्रंट आ रहे थे, सुपर इंपोज कर रहे थे और इंटरफेरेंस था। तो इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम टू कोरेंट सोर्सेस। और जो डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स की वजह से, क्योंकि डिफ्रैक्शन में दो सोर्सेस थोड़ी ना है, एक ही तो सोर्स है, उसी एक सोर्स से वेवलेट्स आएंगे और सुपर इंपोज करेंगे। दिस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स secondary wavelets from wavefront. तो wavelets तो एक ही wavefront से आते हैं, सिखाया था आपको कि एक wavefront होता है, ये secondary wavelets generate करता है। तो इन secondary wavelets के superposition की वजह से diffraction आएगा, पहला difference। दूसरा, interference में जितने भी bright fringes थे, जितने भी maxima थे, सबकी intensity same थी, but diffraction में आपने अभी देखा कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी।
सेम इंटेंसिटी। और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम देन इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा डिक्रीजेस। तो वहां सबकी इंटेंसिटी सेम थी, यहां सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम है उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू होती है। ऑल फ्रिंज हैव सेम विड्थ। सारे फ्रिंज की विड्थ सेम थी इंटरफेरेंस में, यहां फ्रिंज विड्थ इज डिफरेंट। Width of central maxima is maximum. Width of central maxima is maximum. Then width decreases. Central maxima के बाद बाकी जितने भी maximum आएंगे सब में width decrease होगी। Interference में bright और dark में बड़ा अच्छा contrast होता है, bright और dark की intensity में बहुत फर्क होता है। Good contrast between bright and dark fringes, good contrast between bright and dark fringes. तो यहाँ bright और dark fringes बहुत अच्छा contrast होगा, यहाँ contrast बहुत poor है, poor contrast between bright and dark fringes. तो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में जो कॉन्ट्रास्ट होगा वो कॉन्ट्रास्ट बहुत खराब है या कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ये अच्छे इंटरफेरेंस में, ये सब डिफ्रैक्शन में, इतना लिख लीजिए। भाई आप सब लिखिए, जब हो जाए तो मुझे बताइए। जिशान, अरमान, हुआ इतना? देन विथ डिक्रीजेस, डिक्रीजेस सेंट्रल मैक्सिमा की विथ सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद विथ डिक्रीज करने लगती है। लिखिए अरमान, जब इतना हो जाए मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। सो डिफ्रैक्शन इज कंप्लीटेड। बस मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अभी आ चुके हैं डिफ्रैक्शन से रिलेटेड। अरमान अभी का वेट कर रहा हूं, इतना लिख लें तो बताइएगा मुझे।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा अब नेक्स्ट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें पाथ डिफरेंस और हम फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो मैंने आपको इंटरफेरेंस में कराया था। सो आई एम श्योर आपको ये याद होगा, पाथ डिफरेंस बाय 2 पाई इज फेज डिफरेंस बाय 2 पाई इज पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा। ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं फेज डिफरेंस को और पाथ डिफरेंस को। तो अगर मैं आपको दो वेव्स दे रहा हूं, मैं आपसे कहता हूं दोनों वेव्स में फेज डिफरेंस पाई का है, पाई के फेज डिफरेंस का मतलब समझिएगा, एक ये वेव है और एक ये वेव। इन दोनों वेव्स के अंदर, दोनों देखो ऑपोजिट फेस में, जब इसका क्रस्ट आ रहा है तो इसका ट्रफ आ रहा है, जब इसका ट्रफ है तो इसका क्रस्ट। इन दोनों वेव्स में जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस पाई का है, और ये दोनों वेव्स एक दूसरे पर जब सुपर इम्पोज करेंगी तो कैंसिल करेंगी एक दूसरे को। दिस इज, जब ये दोनों एड होंगी, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन। ये एग्जाम्पल है डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन। अगर फेज डिफरेंस पाई का है मतलब वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, ये और ये ऑपोजिट फेस में कैंसिल कर देंगे। मुझे बताना इसके कोरिस्पोंडिंग पार्ट डिफरेंस कितना होगा अगर फेज डिफरेंस पाई का है। दिस इज फेज डिफरेंस, जल्दी से करके दिखा दो पार्ट डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस अगर फाई का है पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? चलो नायला का आया, शिबा, शाहीन, सबका सही आ रहा है, और कुछ सॉल्व भी नहीं कर रहा। हबीब, रेहान, तुम लोग ज्यादा स्लो हो। हाँ फाई का आया कुछ, तूबा का आया, आयशा का आया। हाँ भाई लैम्डा बाई टू हो जाएगा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो बस। ये आता है ना फाइव बाय टू पाई इज एक्स बाय लैम्डा। फाइव कितना है? पाई बाय टू पाई, एक्स का पता नहीं, डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो पाई विल कैंसिल दिस पाई, एक्स आ गया लैम्डा बाय टू। तो अगर फेज डिफरेंस पाई का था तो पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? पार्ट डिफरेंस होगा लैम्डा बाय टू का। सो आगे से ना, अब जो आपको क्वेश्चंस करने हैं उसमें आपको पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू का दिखेगा, तो एकदम दिमाग में आना चाहिए, अच्छा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू का मतलब फेज डिफरेंस पाई का। फेज डिफरेंस पाई का मीन्स ये वाला केस है डिस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन होगा, मिनिमा बनेगा, मैक्सिमा नहीं बन सकता इस केस में, मिनिमम इतना लिख लीजिए। इसे लिख लीजिए इतना, इसे हम यूज करेंगे नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। चलो लिख लिया, गुड। नाउ ये जो मैं करा रहा हूं कंसेप्चुअल डिफ्रैक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहता है डिस्क्राइब। अच्छा नहीं हुआ था, लिखिए लिखिए। So describe
formation of minima and maxima corresponding to part difference of A part is lambda, B part is 3 lambda. पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग मिनिमा बनेगा, 3 लैम्डा बाय 2 के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बनेगा। मतलब सेम एक्सप्लेनेशन जो मैं यहां दूंगा उससे आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि लैम्डा की जगह अगर वो 2 लैम्डा दे दे, आप जानते हैं मिनिमा बनेगा 3 लैम्डा बाय 2 की जगह 5 लैम्डा बाय 2 दे दे, आप जानते हैं मैक्सिमम बनेगा, सेम एक्सप्लेनेशन होगा। मैं तो लैम्डा और 3 लैम्डा बाय 2 के लिए, तो पहला देखिए, अगर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा, इसके कोरस्पॉन्डिंग मिनिमा बनेगा, इसे कैसे एक्सप्लेन कर? आपने ये सिंगल स्लिट ली हुई है, ये सिंगल स्लिट है, इसके एक पॉइंट को ए कह दिया, दूसरे पॉइंट को बी। अब आपको ये पता है कि यहां जो भी सुपरपोजिशन होगा वो वेवलेट्स का होगा, कि यहां से और इस पूरे से कई वेवलेट्स जाएंगे, वो वेवलेट्स ऊपर इंपोज करेंगे, उनके सुपरपोजिशन की वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, और इन दोनों से जो भी वेवलेट्स जा रहे हैं उसमें पार्ट डिफरेंस कितना है लैम्डा। अब मैं आपसे कहता हूं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो इक्वल पार्ट स्लिट को। अगर स्लिट की टोटल विड्थ ए थी तो ऊपर वाले पार्ट की विड्थ ए बाई टू हो जाएगी, नीचे वाले पार्ट की विड्थ ए बाई टू, आधा आधा डिवाइड कर दिया। ए और बी से जो वेवलेट्स जाएंगे उनमें पार्ट डिफरेंस लैम्डा था, लेकिन स्लिट को मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे वाला पार्ट। सोच के बताओगे मुझे ए और सी से जो वेवलेट्स जाएंगे उसमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा? आधा आधा डिवाइड कर दिया, ए और बी के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा का था, तो ए और सी से जो वेवलेट्स जाएंगे उसमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2। गुड, आधा डिवाइड हो जाएगा ना, लैम्डा बाय 2। तो देखो इसे हम बस, अब हो गया इतना, आपने लैम्डा बाय 2 अगर डिसाइड कर लिया तो हो गया। डिवाइड स्लिट इंटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो पार्ट डिफरेंस भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे वाले पार्ट से जो वेव्स जाएंगी उनमें पार्ट डिफरेंस आधा हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, वेव पार्ट डिफरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन वेवलेट्स from upper and lower part is lambda by 2. Lambda by 2 का क्या मतलब है? Phase difference कितना है? अभी last section में कराया तुमने, phase difference is pi, so waves will superimpose destructively resulting in a minimum. तो इसीलिए मिनिमा बनता है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा का था, आपने स्लिट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्लिट के ऊपर वाले पार्ट से और स्लिट के नीचे वाले पार्ट से जो वेव्स जाएंगी उन वेव्स में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलता है। इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सबने लिखा ये। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आया है स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, अगर मैं पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का ले लूं तो इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? चार पार्ट्स में, चार चार पार्ट्स, याद रखना। अगर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा का है तो डिवाइड कर दीजिए स्लिट को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ऐसी देखती रहिएगा, अगर ये 3 लैम्डा कर दे तो 6 इक्वल पार्ट, बढ़ाते चले जाइएगा। पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होना चाहिए। ये सबने लिख लिया, अब सेकंड पार्ट देखिए इसमें। अब पार्ट डिफरेंस है 3 लैम्डा बाई 2, तो अब आप क्या करो, स्लिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब 2 नहीं, 3 इक्वल पार्ट्स में स्लिट को डिवाइड कर। ए बी सी डी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी ए बाय थ्री, ये भी ए बाय थ्री, ये भी ए बाय थ्री, इक्वल पार्ट्स में आपने स्लिट को डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओगे फर्स्ट 2 पार्ट से जो वेव्स जाएंगी उनमें पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? 3 लैम्डा बाय 2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अब जरा से सोचने की कोशिश करो। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से जो वेव्स आएंगी उनमें पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? लैम्डा बाय 2 का। भाई पहले लैम्डा था उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, अब 3 लैम्डा बाय 2 है इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। डिवाइड स्लिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। सो पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स from first and second part will have part difference of λ/2, that is phase difference of pi so they will superimpose destructively resulting in a minimum. Resulting in a way. However, sorry, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स का कैंसिल कर देंगे, सुपर इंपोज कर देंगे, ये बच जाएगा, तो यहां से कुछ लाइट बचेगी। However, wavelets from third part will contribute in first maximum. So, देखो बड़ी आसान सी कहानी है, आपने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऊपर 2 पार्ट्स की वेव कैंसिल हो गई, ये बच गई, ये जो बचा ये आपका मैक्सिमम। इसीलिए सेंट्रल मैक्सिमा की कंपेरेबल इंटेंसिटी इतनी कम होती है कि 2 पार्ट्स तो कैंसिल हो गए, एक ही पार्ट बचा हुआ है। दिस इंटेंसिटी is very small
as compared to central banks. चलिए लिख लीजिए. सो दैट वॉज अबाउट डिफ्रैक्शन. लास्ट टॉपिक था डिफ्रैक्शन का. डिफ्रैक्शन खत्म हुआ. चलो अब वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन के बाद जो भी टॉपिक्स थे वो सारे टॉपिक्स हट गए. तो मैं इस बैच में तो नहीं कराऊंगा आपके बोर्ड्स रिड्यूस सिलेबस, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे इसमें. अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो जो जेई वाली बैच है उसमें मैंने जो टॉपिक कट गए वो भी पढ़ा है. तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहां देख सकते. अदरवाइज इसके आगे का पार्ट अब सिलेबस में नहीं. ऑप्टिक्स खत्म हुआ. आपके सिलेबस का लास्ट सेक्शन है मॉडर्न फिजिक्स और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एक लेक्चर का है. इलेक्ट्रॉनिक्स में सब कुछ कट गया, सिर्फ कुछ डेफिनेशंस रह गई. तो बस ये आखिरी सेक्शन रह गया आपके सिलेबस का मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें तीन चीजें आती हैं. एक आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड दिस इज स्कोरिंग. ये सारा आप केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ चुके. जो कुछ आपने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा था, एटम आपने पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी तो शायद इस साल होगा केमिकल काइनेटिक्स में. अब ये न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी भी कट गया है इस बार. थोड़ा बहुत कराऊंगा लेकिन ये कट गया, सिर्फ ये दो चैप्टर्स बचे. और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा सेमीकंडक्टर है. सेमीकंडक्टर 80 कट गया, 20% कुछ डेफिनेशन छोड़ दिए इन्होंने. तो ये मुझे आपके साथ एक सेमीकंडक्टर डिस्कस करना है. इसके बाद फिर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे. मैग्नेटिक्स से जिन बच्चों का छूटा था, मैग्नेटिक्स ईएमआई मुझे कराना है. मैं दोबारा से वो स्टार्ट कर दूंगा. चलिए आज इसे हम यहीं छोड़ेंगे. ट्यूसडे से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे. आप रिवीजन